स्टैंडर्ड 4. टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 4 दैट इट इज वर्ड प्रॉब्लम. तो हमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम का वो है, इन माय स्कूल देयर आर 3392 स्टूडेंट फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू एट. मेरी क्लास स्कूल में 3392 बच्चे हैं क्लास फर्स्ट से लेकर के थर्ड तक. इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इज सेम इन ऑल द क्लासेस, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच क्लास. अगर हर क्लास में सेम बच्चे हैं तो बताओ हर एक क्लास में कितने बच्चे होंगे. तो क्या लिखेंगे इसके लिए हम, टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल, टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 3392. ओके, कितनी क्लासेस में, फर्स्ट टू एट, यानी कि एट क्लासेस में. तो क्या लिखेंगे, एट इन एट क्लासेस, इन एट क्लासेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स हैं 3392. इन वन क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमें 3392 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 8 से. ओके, देखो 3392 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 फोर जा 32, बचा कितना 1, ऊपर से आया 9, 8 टू जा 16, कितना बचा 3, ऊपर से आया 2, 8 फोर जा 32, 32 में से 32 गया 0, तो हमारा आंसर कितना आया 424. तो क्या लिखेंगे, सो देयर आर 424 स्टूडेंट्स इन ईच क्लास. ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 2. मिसेस कपूर पेड फॉर ए रिंग इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट. मिसेस कपूर ने एक रिंग खरीदी है, उसके 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उन्होंने पैसे दिए हैं. अगर टोटल कॉस्ट रिंग का इतना है तो 1 इंस्टॉलमेंट का कितना रुपया लगेगा, 1 इंस्टॉलमेंट में कितना रुपया उनको देना पड़ेगा. तो क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ द रिंग इज इक्वल टू ₹6,124, जो हमें कितने पे में करनी है, 4 इंस्टॉलमेंट में. तो क्या लिखेंगे, इन 4 इंस्टॉलमेंट टोटल मनी पेड ₹6,124. ठीक है, 4 इंस्टॉलमेंट में. इन 1 इंस्टॉलमेंट सी पे, एक इंस्टॉलमेंट में उनको कितना पे करना पड़ेगा, तो 6124 को डिवाइड कर देंगे 4 से. तो डिवाइड करते हैं, 4 वन जा 4, 6 में से 4 गया 2, 4 5 जा 20, बचा 1, ऊपर से आया 2, 6 3 जा 4, 3 जा 12, ऊपर से आया 4, एंड 4 वन जा 4, तो कितना आया 1531. तो क्या लिखेंगे, सो सी विल पे ₹1531 इन 1 इंस्टॉलमेंट. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 3 पे. एक बॉक्स के अंदर 7 कैन आ सकते हैं, हमें इतनी कैन पैक करने हैं, तो कितने कैन पैक हो जाएंगे और कितने कैन्स बाकी रहेंगे. तो क्या लिखेंगे, 7 कैन्स कैन होल्ड इन 1 बॉक्स, हमें कितने करने हैं 8,539 कैन्स कैन होल्ड इन. इसको इससे क्या कर देंगे,
डिवाइड कर देंगे सेवन से, सेवन से डिवाइड कर देंगे, सेवन वन जा सेवन, बचा वन, ऊपर से आया फाइव, सेवन टू जा फोर्टीन, क्या बचा वन और यहाँ पर जीरो, ऊपर से आया थ्री, सेवन वन जा सेवन, थर्टीन में से सेवन गया सिक्स, ऊपर से आया नाइन, सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री, कितना बचा सिक्स, यानी कि इतने तो बॉक्स में आ जाएंगे और इतने कैंस बचेंगे, तो क्या लिखेंगे, 1219 बॉक्स आर नीडेड टू पैक द कैंस एंड सिक्स कैंस आर लेफ्ट ओवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में है, द हाइट ऑफ माउंटेन इज 7551 मीटर। माउंटेन की हाइट जो है वो 7551 है। ऋषि ने 9 डेज लिए उस टॉप के ऊपर पहुंचने के लिए, तो हाउ मेनी मीटर्स डिड ही कवर डेली, तो डेली कितना चला, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस अगर उसने डेली तय किए तो क्या लिखेंगे, 9 डेज ऋषि रीच्ड एट टॉप, 9 दिन में ऋषि टॉप के ऊपर पहुँचा, तो सो इन 9 डेज ऋषि ट्रेवल्ड, 9 दिन में ऋषि कितना चढ़ा, 7551 मीटर, तो इन 1 डे ऋषि ट्रेवल, एक दिन में ऋषि कितना ट्रेवल किया, तो इसको क्या कर देंगे 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 एट जा 72, बचा कितना 3, अब ऊपर से आया 5, 7 7 9 बन जा 9, 9 टू जा 80, 9 थ्री जा 27, 9 फोर जा तो 36 हो जाएगा, 15 में से 7 गया तो क्या आएगा 8, और 2 में से 2 गया 0, ऊपर से आएगा 1, 9 9 जा 81, तो कितना चला वो टोटल 839 किलोमीटर, तो क्या लिखेंगे, सो ही ट्रेवल्ड, किलोमीटर नहीं मीटर, सो ही ट्रेवल्ड 839 मीटर डेली। ओके, एक्सरसाइज कंप्लीट।